The next chapter is sentence pattern. इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि उन वर्ड्स को किस तरीके से जमाया जाए कि वो एक सही मीनिंग क्रिएट कर पाए. सेंटेंस पैटर्न हमारा आज का विषय. यदि हम इन दो चैप्टर्स पर थोड़ा ध्यान दे लें तो मैं ये मानता हूं कि लगभग 50% अंग्रेजी कवर हो जाती है, क्योंकि ये नींव बनाने वाले चैप्टर्स हैं. समझ में आ जाए किस टाइप का वर्ड है, समझ में आ जाए उसको इस्तेमाल करने के नियम क्या हैं, फिर बचा क्या. तो चलिए हम थोड़ा सा और समझ लें. हम जो भी बात जमा रहे थे, जैसा कि हमने समझा, वो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ये गोल्डन रूल है अंग्रेजी में बात को जमाने का. ये गोल्डन रूल है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, और इसे कहते हैं एक सिंपल सेंटेंस, और इसे एक क्लॉज भी कह सकते हैं. हम दो तरीके से अपनी बातें जमा सकते हैं, एक तो उसके मीनिंग के अनुसार और दूसरा उसके स्ट्रक्चर के अनुसार. तो सेंटेंसेस जो वर्ड्स के ग्रुप थे, सेंटेंसेस आर बट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर डिराइव्ड टू कैटेगरीज. वन अकॉर्डिंग मीनिंग, वो क्या मीनिंग निकलवा रहे हैं, और दूसरा अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर. ये थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि आगे की सारी बातें इन्हीं आधारों पर जमने वाली हैं. सो विदाउट द बैकग्राउंड इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव ए ग्रैंड लोकेशन. फ्रेंड्स, सिंपल सेंटेंस माने एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट. और ये सारे सेंटेंसेस जिन्हें मैं कहता हूं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, ये सभी सिंपल सेंटेंसेस हैं. इनमें एक सब्जेक्ट के बारे में एक बात कही जा रही है, भले वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल. अब यदि मुझे वो बात अफर्म करनी है, मुझे ये कहना है हाँ ऐसा है, तो वो बात जमाने का मेरा तरीका होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस प्रेडिकेट. मुझे कहना है मैं हूं, आई एम गप्पू चतुर्वेदी. आई हैव ए पेन. आई डू एग्री. पर मुझे यदि ये बातें नेगेटिव में बोलनी हो, मुझे यदि कहना हो नहीं मैं गप्पू चतुर्वेदी नहीं हूं, या मेरे पास पेन नहीं है, या मैं एग्री नहीं करता, तो मुझे नॉट लगाना पड़ेगा. इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इंग्लिश का नॉट लगाना, और हम जैसा कि अधिकतर देखते हैं लोग कहीं भी, कभी सब्जेक्ट में, कभी मेन वर्ब में, कभी प्रेडिकेट के किसी और वर्ड में नॉट लगा देते हैं, और ये सही तरीका नहीं है. ग्रामर ने फिक्स किया, हम हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम उसी के साथ नॉट अटैच करें. तो जब हम बात को नेगेटिव के मूड में बोलना चाहते हैं तो हमें यही सब्जेक्ट बात तो शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि सब्जेक्ट के बगैर कोई बात हो नहीं सकती. हम इस हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा देते हैं और ये अब एक नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है. छोटा सा नियम है, पर नहीं मानो तो पूरा नुकसान हो जाता है, और लोग हमारी बात को या तो गलत समझ जाते हैं या समझते ही नहीं है. फिर मान लीजिए मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, तो मैं दो तरीके से प्रश्न कर सकता हूं. इंटरोगेट मतलब क्वेश्चन पूछना, या तो मैं क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन करूं या मैं हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन करूं. जब मैं क्वेश्चन वर्ड जैसे हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, इन वर्ड्स से क्वेश्चन करूं, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और प्रेडिकेट उसको फॉलो करेगा. यदि हेल्पिंग वर्ब से बात शुरू हो रही है तो फिर पहले सब्जेक्ट और फिर बाकी की सारी बातें. और क्वेश्चन पूछने के यही दो तरीके हैं, या तो क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब.
और पूछना मतलब इंटरोगेट करना, इंटरोगेट करने के वाले सेंटेंसेस इंटरोगेटिव बन गए। फिर इंपैरेटिव, कई बार हम ऐसी बातें कर रहे थे जैसे स्टैंड अप, सिट डाउन, इनमें मैंने कोई सब्जेक्ट यूज नहीं किया, मैंने नहीं कहा आई स्टैंड अप या यू स्टैंड अप, पर उसमें छिपा हुआ था यू, मैंने कहा सिट डाउन, यू सिट डाउन, मैंने कहा प्लीज स्टैंड अप, प्लीज सिट डाउन, प्लीज कम हेयर या डोंट कम हेयर, ऐसे सेंटेंसेस में जहां सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं हो रहा, मेन वर्ब की बात की जा रही है, प्लीज डोंट नेवर, इस तरीके से बातों को आगे बढ़ाया जा रहा है और वो प्रेडिकेट को डायरेक्ट मेन वर्ब से क्वेश्चन करते हैं, मेन वर्ब से प्रपोज करते हैं, मेन वर्ब से ऑर्डर करते हैं, मेन वर्ब से रिक्वेस्ट करते हैं, वो इंपैरेटिव बन जाते हैं। फिर जैसा हमने पढ़ा था एक वर्ड्स इंटरजेक्शन, जो ये बता रहे थे मन में कोई भावना आए और मैंने कहा वाओ इट इज ए गुड डे, तो वाओ एक इंटरजेक्शन वाला वर्ड आया, फिर मैंने अपनी पूरी बात जमाई, पहले आया इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन आई एम सॉरी इंटरजेक्शन, और फिर पूरा सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, और ये कहलाएगा एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आखिर में अपटेटिव, जब मैं कुछ विश करना चाहूँ, कुछ भीतर मेरे इच्छा हो और मैं कहूँ मे गॉड ब्लेस यू, या मैं कहूँ मे यू डू वेल इन योर लाइफ, अपने जिंदगी में आप तरक्की करो, मे यू लर्न इंग्लिश सून, मे यू बिकम रिच, मे यू गेट व्हाट यू वांट, मे यू बी सक्सेसफुल, तो ये सब मैं इच्छाएं कर रहा हूँ, विश कर रहा हूँ, ब्लेसिंग कर रहा हूँ, और ये बात मे से शुरू हुई थी, और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट था वो आ गया, और ये बातें जो विश कर रही थी वो ऑपरेटिव कहलाएं। तो कुल मिलाकर सेंटेंसेस दो तरीके से बनाए गए, एक मीनिंग के अनुसार और एक स्ट्रक्चर के अनुसार। मीनिंग के अनुसार अफर्म करना है तो मैं ये तरीका इस्तेमाल करूं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्रेडिकेट। नेगेटिव करना है तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट प्रेडिकेट, इंटरोगेट या तो क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से, इंपैरेटिव मेन वर्ब प्रेडिकेट, एक्सक्लेमेटरी इंटरजेक्शन प्लस द सिंपल सेंटेंस, ऑप्टेटिव मे प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। पर ये सभी तरीके से हमने बनाए सिंपल सेंटेंस, इसमें एक सब्जेक्ट था और उसके बारे में एक प्रेडिकेट था। अब मैं यदि एक सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस नंबर वन को दूसरे सिंपल सेंटेंस नंबर टू से जोड़ना चाहूं तो मुझे कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी, और ये कंजंक्शन हम एक चैप्टर में पढ़ेंगे, पर आज मैं आप लोगों को बताऊं ये दो तरीके के होंगे, एक होंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और दूसरे होंगे सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो जब हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जैसे एंड या बट से बातों को जोड़ेंगे, दो सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, तो वो कहलाएगा कंपाउंड सेंटेंस, और जब हम सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ेंगे तो वो कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक बार फिर से जनरल सर्वे, अ सेंटेंस इज बट सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, मींस ए क्लॉज इज बट ए सिंपल सेंटेंस, मींस ए सब्जेक्ट प्लस ए प्रेडिकेट। ए सब्जेक्ट मींस एनी सिंगुलर और प्लूरल, ए प्रेडिकेट मींस वन थिंग, वन टॉक, वन case to be or to have or to do whatever, but one case regarding one subject. Now these sentences are made up of these words, they are taken in parts of the speech: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection. We combine these words and arrange them in a pattern so that we can have some meaning, and that process is called sentence making. For that, this is arranged according meaning. They are taken these ways: affirmative, negative, interrogative, imperative, exclamatory, optative. And according their structure, unko kaise jamaya jaye, they are taken
simple sentence, compound sentence, complex sentence. So, उम्मीद है आप लोगों को ये बातें समझ आई होंगी. अब आगे के जो chapters हैं, वो इन पर depend होने वाले हैं. इसलिए जब मैं ये words revise करूं, तो आपके दिमाग में click होना चाहिए कि किस बारे में बात की जा रही है. Thank you very much.